Welcome to WinIS YouTube channel. We are starting video lecture series on economics section of MPPSC mains. But before starting the main syllabus, we need to understand some basic concepts of economics. So we will start with some concepts of economics from today. Let's take the first one. In this video, we will try to discuss these terminologies. Some of them will be discussed today and others will be discussed in upcoming videos. First one is economics and economy, micro and macroeconomics, demand and supply, law of demand and supply, inflation, national income, triple P. Arthashastra or Arthavyavastha, Sushma or Brahad Arthashastra ya Samashti Arthashastra, Mang or Purti, Mang or Purti ka Niyam, Mudrasfiti, Rashtriya और क्रय शक्ति समता. ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जिनको मैंने यहाँ लिखा है. इनमें से हम लोग एक एक करके वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स एंड द इकोनॉमी. एज फार एज डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड, अर्ली इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट इकोनॉमिक्स वॉज अ वेल्थ ऑफ साइंस. शुरू के अर्थशास्त्रियों का मानना था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है. लेटर ऑन another aspect was added in the definition. Modern economists believe it is not only the science of wealth, it is also concerned with human behavior, human choice. The Robinson definition of economics is very relevant. He said that economics is concerned with the best possible use of limited resources. Robinson कहते हैं कि अर्थशास्त्र का जो संबंध है वो सीमित संसाधनों के सदुपयोग से है. अर्थात सीमित संसाधनों को किस तरह से बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके मानव जाति के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, उसे प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है. अगर हम लोग व्यवहारिक या कारगर परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स स्टडीज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ मैनकाइंड, और इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी that studies the economic activities of mankind. अर्थात economics अर्थ एक शाखा है अध्ययन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव जाति के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है. यहाँ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मानव जाति और उसकी आर्थिक क्रियाएँ या आर्थिक गतिविधियाँ. देन प्रश्न उठता है कि आर्थिक क्रियाएँ क्या होती हैं, तो वो सभी आर्थिक क्रियाएँ कहलाएँगी मनुष्य के जो जिसमें कि प्रॉफिट हो, लॉस हो, लाइवलीहुड से संबंधित हो, किसी व्यवसाय से संबंधित हो. यदि कोई व्यक्ति कृषि करता है, इफ़ समवन इज़ इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, और उसका जो फसल का उत्पादन होगा उसे वो सेल करेगा, उससे उसको पैसा मिलेगा, उसका प्रॉफिट है. अगर उसे नुकसान हो गया तो लॉस है. तो इन सब गतिविधियों को हम कहेंगे कि वो आर्थिक गतिविधियाँ हैं और इनका अध्ययन इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाता है. अध्ययन करने पर निश्चित तौर पे सिद्धांतों का प्रतिपादन होगा, थ्योरीज प्रिंसिपल्स आएंगे, और जब उन सिद्धांतों को किसी निश्चित क्षेत्र में लागू किया जाता है, जैसे किसी देश में लागू किया जाता है, तो आर्थिक गतिविधियों से संबंधित जो व्यवस्था उभर कर आती है उसे हम उस देश की अर्थव्यवस्था कहते हैं. अर्थात व्हेन द प्रिंसिपल्स और थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक्स आर अप्लाइड इन अ सर्टेन रीजन रिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज, then the arrangement comes out is known as economy of that particular country. Without name of a country, economy is meaningless. If we say economy, what does it mean? We are talking about which economy? But when we say Indian economy, American economy, तो इसका मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, अमेरिकन अर्थव्यवस्था की, या यूरोपियन अर्थव्यवस्था की. यानी सिद्धांतों को जब लागू किया गया इन जगहों पे, और जो सिद्धांतों के लागू होने से जो व्यवस्था बन करके आई, जो आर्थिक गतिविधियों का जो परिणाम निकल करके आया, जो सेटअप क्रिएट हुआ, उसे कहेंगे कि वो उस देश की या उस जगह की अर्थव्यवस्था है. तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी दैट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मैनकाइंड, व्हाइल इकोनॉमी इज द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज इन अ कंट्री इन अ सर्टेन रीजन. नेक्स्ट वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. जनरली इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इन टू ब्रांचेस,
और इन टू पार्ट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की दो शाखाएं हैं या दो भाग हैं। माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही छोटा, मीन्स अ मिलियंथ पार्ट ऑफ समथिंग। व्हेन वी स्पीक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और द माइक्रो अप्रोच, वी व्हाट वी मीन इज दैट इट इज सम स्मॉल पार्ट और कंपोनेंट ऑफ द होल इकोनॉमी। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र की बात करते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि हम पूरे अर्थव्यवस्था के एक छोटे से भाग की बात कर रहे हैं, बहुत छोटे से कंपोनेंट घटक की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी स्टडी एन इंडिविजुअल कंज्यूमर्स बिहेवियर और दैट ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर्म और वॉट इज़ हैपनिंग इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, मान लीजिए हम किसी एक व्यक्ति की या एक उपभोक्ता के बाइंग बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं कि वो किस तरह से खरीदारी करता है, किसी एक कंपनी के बारे में स्टडी कर रहे हैं या किसी एक इंडस्ट्री के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो ये सभी के सभी जो स्टडी है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का भाग होगा। इसी कहा जाता है कि बॉटम अप्रोच, नीचे से। इसकी भूमिका क्या है? इसकी भूमिका ये है कि यदि किसी कंपनी को ये पता चल जाए कि किसी विशेष क्षेत्र के लोग या परिवार या कोई समाज किस तरह से बाइंग डिसीजंस करता है, वो संसाधनों का वितरण कैसे करता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, वो कमाता है तो कितना पैसा किस किस चीज़ पे वो खर्च करता है और उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना प्रोडक्शन करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, तो अभी कुछ वर्षों के दिनों, पिछले कुछ सालों में या पिछले एक दो दशक में आप देखें कि लोगों का झुकाव एंटरटेनमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया है। मोबाइल फोन्स, सिनेमा एंड तरह तरह की इस तरह की चीज़ें, तो आप देखेंगे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर्स को पता है कि लोग इसे लाइक कर रहे हैं, तो ये हेल्प करता है कि, और ये कैसे पता चला? क्योंकि वो उन्होंने स्टडी किया कि पर्टिकुलर सेगमेंट के जो लोग हैं उनको ये चीज़ बहुत पसंद आ रही है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक रोल है कि ये किसी भी कंपनी को यह मदद करता है डिसाइड करने में कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है और किस तरह से प्रोड्यूस करना है। लोग प्राइस सेंसिटिव हैं या क्वालिटी सेंसिटिव हैं, आई होप आप समझ रहे होंगे। इसके की फैक्टर्स क्या क्या हैं? तो इसके की फैक्टर्स हैं डिमांड, कि लोग किस चीज़ की मांग कर रहे हैं और उसके हिसाब से इसकी आपूर्ति करना, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन बनाए रखना, प्रोडक्शन थ्योरी यानी कि सिद्धांत और प्रोडक्शन को अंजाम देना है, उत्पादन करना है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे रखना है, लेबर इकोनॉमिक्स, लेबर को कैसे मैनेज करना है। तो इन सब बातों का जो अध्ययन है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। दैट इज, नेक्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो नाम से क्लियर है कि समष्टि अर्थशास्त्र यानी बृहद अर्थशास्त्र। तो जब किसी देश को एज अ होल स्टडी किया जाता है, पूरे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है, वो किसी पर्टिकुलर सेगमेंट का उस टॉपिक नहीं होता। जैसे कि मार्केट, सारे मार्केट को एक साथ स्टडी करना, पूरे एम्प्लॉयमेंट लेवल को स्टडी करना, प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल को स्टडी करना, तो ये सब्जेक्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इट डील्स विद वेरियस इश्यूज लाइक नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एटसेट्रा, और इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इकोनॉमिक्स बन जाएगा। दिस वन कैन ऑल्सो भी इम्पोर्टेंट फॉर थ्री मार्क। अगर हम दोनों को कंपेयर करें, थ्री मार्क्स के लिए आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद सिंगल इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज डिमांड, प्राइस, कंज्यूमर। अर्थात सूक्ष्म अर्थशास्त्र सिंगल इकोनॉमिक वेरिएबल्स के साथ संबंध रखता है, जैसे कि मांग को स्टडी करना, कीमतों का अध्ययन करना, कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता को स्टडी करना, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है पूरी अर्थव्यवस्था को एग्रीगेट रूप में स्टडी करता है। इसके अंतर्गत नेशनल इनकम को स्टडी किया जाता है, कुल उत्पादन को, कुल बचत को स्टडी किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो संबंध स्कोप है, जिसका विस्तार है, वो नैरो है, क्योंकि यह एक छोटे से पार्ट का ही अध्ययन करता है, जबकि माइक्रो का इकोनॉमिक्स का स्कोप बड़ा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद वाइड एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पूरे देश की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। सेंट्रल प्रॉब्लम, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो प्रॉब्लम है, इसकी स्टडी किसी न किसी प्रॉब्लम की जाती है, उसे प्राइस डिटर्मिनेशन और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, कि संसाधनों का वितरण कैसे होता है और प्राइस की कीमत कैसे निर्धारण किया जाए। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो है लेवल ऑफ इनकम को निर्धारित करना, यानी कि किस तरह से लोगों की इनकम को बढ़ाया जाए।
नेशनल इनकम का पार्ट है ही, आप जानते हैं, एंड एम्प्लॉयमेंट और रोज़गार को कैसे बढ़ाया, क्योंकि बिना रोज़गार को बढ़ाए नेशनल इनकम को या इनकम को नहीं बढ़ाया जा सकता। दोनों का महत्व क्या है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स असर्टेंस प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है किसी प्रोडक्ट की कीमत और उत्पादन के कारकों के निर्धारण में मदद करता है या सुनिश्चित करता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स मेंटेन्स स्टेबिलिटी इन जनरल प्राइसेस, दैट इज़ इन्फ्लेशन। और यह हेल्पफुल है बहुत अदर प्रॉब्लम सॉल्व को सॉल्व करने में, दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी रिडक्शन। तो इन चार बिंदुओं पे हम इन दोनों टॉपिक्स को, दोनों टर्मिनोलॉजीज को कंपेयर कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।